आज हम आपको हॉट डिफॉर्मेशन बताने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि स्ट्रिप काट ली है हमने पीवीसी केबल में से, आउटर शीथ की है। तो इसमें क्या है कि 1/3 काटनी होती है, जैसे अपना जो केबल का सरकमफ्रेंस है उसका 1/3 के करीब, 33% के करीब इसको काट लेते हैं इस तरीके के। अब इसकी केबल का ओडी जो था वो 15.4 mm था और थिकनेस 1.65 mm थी। तो इसमें हम फोर्स निकाल लेंगे, जो फार्मूला है के अंडर रूट 2dt - t². तो इसको हमने सॉल्व कर दिया, 2 × 15.4 × 1.65 - 1.65² करके, तो ये हमारा इसका अंडर रूट 48.1 आ गया है। तो 0.8 जो है वो कांस्टेंट है, 0.8 × 6.93, तो 5.54 न्यूटन हमारा वेट आ गया है। तो इसको हम जनरली, हमारे पास जो वेट रहते हैं वो ग्राम्स में रहते हैं, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है ग्राम्स में। तो ये 565 ग्राम हमारा जो वेट आ गया है। अब हमें 565 ग्राम वेट करके सैंपल लगाना है। तो हमें जो करना है, अभी सैंपल हमने काट लिया, उसमें से कैंची से या नाइफ से ऐसे काट सकते हैं, ये काट लिया, ये हमारा हॉट डिफॉर्मेशन ऑपरेटर्स है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये करना है कि जो इसका आर्मर डाया, मतलब इनर डाया, जिसको इनर डाया बोल सकते हैं, उसके इक्वल हमें मेटल पिन लेनी है। तो ये हमारा 13 mm करीब इनर डाया है, तो ऐसे करके हम इसको, इसके लिए सपोर्टिंग पिन ले लेंगे। ये विशेष ध्यान रखना है कि ये जो पिन है बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, इसमें कहीं पर भी कोई मतलब कट वगैरह, कट सरफेस स्मूथ होना चाहिए। तो इसको करके हम यहाँ पे ऐसे करके इसको सेट कर लेंगे। और ये हमने वेट जो लेना है, वेट में ध्यान रखना है, ये वेट लैक्स और ये जो अपना नाइफ है इसका वेट इंक्लूड करना है। ये सारा वेट मिला के 565 ग्राम हमारा हो रहा है। और दूसरी जो विशेष ध्यान रखना है वो ये है कि ये नाइफ है ना, नाइफ की जो धार होती है चाकू की, वो हमारी 0.7 mm होनी चाहिए, जैसा कि IS 10-810 पार्ट 15 में लिखा हुआ है, और पार्ट 15 को ही हमें फॉलो करना है। तो इस तरीके से हमने इसको रख दिया है, ये करके ये बिल्कुल हमारा ये सेट हो गया है। अब इसको हम 6 घंटे के लिए जो है ओवन में रख देंगे। ये हमारा ओवन है, 80 डिग्री टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो 80 डिग्री पे आ गया, ये हमने इसमें रख दिया है ओवन में, और ये एयर ओवन है। तो 6 घंटे के बाद हम इसको निकालेंगे, निकालने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया हम आपको बताएँगे।